Hello and good morning, everyone. My topic is on type of OS. What's your good name? My name is Anmol Yadav. Good morning, Anmol. Sir, and good morning. So there are two type of OS: CUI and GUI. Character user interface and graphical user interface. So character user interface जो है वो characters को देखता है या फिर text form में जितने भी हम लोग HTML हो गया, web designing हो गया या फिर coding हो गया किसी भी तरह के जो keyboard से related होते हैं तो ये हो गया. And graphical user interface जो है, जो interface पहले मैं मतलब बता देता हूँ कि interface का मतलब क्या होता है. जो कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है तो वो है, तो कैरेक्टर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो ये जो है जैसे कि इसको ये इंक्लूड करता है मेन्यूज को, आइकॉन्स को, और अगर और आसान भाषा में बोलूँ तो जैसे कि यूट्यूब हो गया, जितने भी ऐप्स हो गए हम लोग चलाते हैं तो ये हो गया. एंड फिर उसके बाद आता है सिंगल सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक यूजर को एक ही टाइम, मतलब एट अ टाइम उसको यूज करने को मतलब अलाउ करता है. जैसे फोन ही हो गया, कोई एक फोन पे अभी दो लोग तो आ नहीं सकते, आ भी सकते हैं तो वो सही से चलाएंगे नहीं. तो या कंप्यूटर हो गया. एंड इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि MS DOS हो गया. ये MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो विंडोज का वर्जन जो है 95, 98, 2008 and 8.1. और ये हो गया. एंड देन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मल्टीपल यूजर्स जो यूज कर सकते हैं एट ए टाइम. इसका एग्जांपल हो गया फेसबुक, इंस्टा, गूगल एंड वेरियस एप्लीकेशन. तो ये इंक्लूडिंग है. एंड सिंगल टास्किंग हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कोई भी यूजर को एक सिंगल टास्क सिर्फ करने को अलाउ कर सकता है. ये इसमें दोबारा MS DOS ही आता है. तो इसके बाद जो है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इस मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब इस वो पहले वाले का अपोजिट ही है, तो मैं क्या उसको बताऊं. मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें हम लोग जैसे चैट, डाउनलोडिंग एक और वॉइस में जो भी है एक साथ कर सकते हैं पैरेलली. बहुत बढ़िया, क्लैप फ्रेंड्स करो. और मेरे कुछ सवाल है आपके बताए एलेबोरेट होने टॉपिक से. आपने अभी कहा MS DOS, तो MS DOS आपने स्टार्टिंग में बताया OS के दो प्रकार होते हैं, CUI एंड GUI. आपने कहा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. ठीक, तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन आपने करने की कोशिश की कि कोडिंग वगैरह करते हैं, जो लोग कोडिंग नहीं किए हुए उनको कैसे एग्जाम्पल देके आप बताएंगे CUI कैसे काम करता है.